नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम जेवेंस डॉक्टर राजू कुमार, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग आई विल डिस्कस टॉपिक प्रोड्यूसर सरप्लस। द प्रोड्यूसर सरप्लस इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस विच इज और कैन बी मेड अवेलेबल बाई द फार्मर टू द नॉन फार्म पॉपुलेशन। According to the price, producer surplus is the difference between what producer are willing and able to supply a good for and the price they actually received. So, producer surplus के अंदर क्या होता है, एक farmer होता है, एक farmer ने अपने farm पे जितना production किया उस production का कुछ part तो वो अपने family requirement के लिए रख लेता है और कुछ part वो market के अंदर sell कर सकता है, मतलब कि उसने sell किया नहीं है वो कर सकता है, वो होता है producer surplus इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर अपन प्राइस के केस के अंदर देखें कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, तो प्राइस के केस के अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, एक प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, सेल करने के लिए वो सोचता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पर सेल करूं और एक्चुअल में उसकी उसको प्राइस क्या रिसीव होती है, वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस इन केस ऑफ प्राइस। नाउ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, द प्रोड्यूसर सरप्लस आर टू टाइप्स। फर्स्ट मार्केटेबल सरप्लस, सेकंड मार्केटेड सरप्लस। नाउ मार्केटेबल सरप्लस, द मार्केटेबल सरप्लस इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस विच कैन बी मेड अवेलेबल टू द नॉन फार्म पॉपुलेशंस ऑफ द कंट्री। द मार्केटेबल सरप्लस इज द रेजिडुअल लेफ्ट विद द फार्मर आफ्टर मीटिंग हिज फैमिली रिक्वायरमेंट, फार्म रिक्वायरमेंट, सोशल एंड रिलीजियस पेमेंट। सो मार्केटेबल सरप्लस के अंदर क्या होता है, एक फार्मर है, उस फार्मर को टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, उस टोटल प्रोडक्शन में से उसकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, कितनी उसकी लाइफ स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्केटेबल सरप्लस। नाउ मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस होता है इसके अंदर एक फार्मर होता है, उसने जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो टोटल प्रोडक्शन वो मार्केट के अंदर एक्चुअल में सेल कर रहा है, वो होता है मार्केटेड सरप्लस। सो मार्केटेड सरप्लस इज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस विच फार्मर एक्चुअली सेल इन द मार्केट इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली कंजप्शन, फार्म रिक्वायरमेंट, सोशल एंड रिलीजियस पेमेंट। द मार्केटेड सरप्लस मे बी मोर, लेस और इक्वल टू द मार्केटेबल सरप्लस। सो मार्केटेबल सरप्लस के अंदर तो क्या होता है, एक फार्मर ने जितना भी प्रोडक्शन किया, जितना भी प्रोड्यूस किया, उसमें से कुछ तो अपना पार्ट वो अपनी फैमिली के लिए रख लेता है, कुछ लाइफ स्टॉक के लिए रख लेता है और कुछ वो बेच सकता है, मतलब उसने बेचा नहीं है, बेच सकता है। लेकिन मार्केटेड जो जस्ट इनवर्स होता है मार्केटेबल सरप्लस का, उसके अंदर तो वो बेच सकता है लेकिन उसने बेचा नहीं है, लेकिन मार्केटेड सरप्लस के अंदर क्या होता है, वो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ उसको मार्केट के अंदर वो सेल कर देता है, वो होता है मार्केटेड सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस जो होता है ना, वो मार्केटेबल सरप्लस से लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मार्केटेड सरप्लस है ना मोर देन मार्केटेबल सरप्लस से कब होगा, जब एक फार्मर ने टोटल प्रोडक्शन लिया, टोटल प्रोडक्शन में से उसकी जो नीड है, फैमिली की नीड है या फिर उसके लाइफ स्टॉक की नीड है, वो उसको वो उसके लिए तो वो कम रिक्वायरमेंट रख रहा है और ज्यादा मार्केट के अंदर वो सेल कर रहा है, तो होता है मार्केटेड सरप्लस मोर देन मार्केटेबल सरप्लस। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊं, एक फार्मर है, उसके टोटल प्रोडक्शन हुआ 20 क्विंटल, 20 क्विंटल उसके वीट हुआ, 20 क्विंटल में से वो क्या करेगा, उसको जो एक्चुअल में सेल करना है 10 क्विंटल और उसकी फैमिली के लिए रखना है उसको 10 क्विंटल, लेकिन वो क्या करता है, उसमें से 12 क्विंटल तो उसने सेल कर दिया, 12 क्विंटल सेल किया तो उसके पास कितना बच्चा, 8 क्विंटल। 8 क्विंटल किसके लिए, फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए। लेकिन मैंने इसमें एक चीज बताई, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 क्विंटल, लेकिन रख रहा है कितना वो 8 क्विंटल, तो वो इस केस के अंदर मार्केटेड सरप्लस क्या हो जाएगा, मार्केटेबल सरप्लस से मोर देन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि मार्केटेड सरप्लस है ना इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस कब होगा। एक फार्मर है, उसका टोटल प्रोडक्शन अगर 20 क्विंटल हुआ, 20 क्विंटल में से वो क्या करता है, 10 क्विंटल वो अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए रख लेता है और 10 क्विंटल वो मार्केट के अंदर सेल कर देता है, वो होता है मार्केटेड सरप्लस इक्वल टू द मार्केटेबल सरप्लस। नाउ मार्केटेबल सरप्लस इज लेस देन द मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस जो है वो मार्केटेबल सरप्लस से लेस देन कब होगा, मार्केटेड सरप्लस लेस देन जब होगा जब वो अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ वो ज्यादा अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए, अपने लाइफ स्टॉक के लिए रख लेगा और कम क्वांटिटी उसकी मार्केट के अंदर वो सेल कर रहा है,
तो इस केस के अंदर जो मार्केटेड सरप्लस है ना वो लेस देन होगा मार्केटेबल सरप्लस से। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक फार्मर है, टोटल प्रोडक्शन उसके 20 क्विंटल वीट हुआ, 20 क्विंटल वीट में से वो क्या करता है, उसको बेचना था 10 क्विंटल और उसको फैमिली के लिए रखना था 10 क्विंटल, वो सेल करता है 8 क्विंटल लेकिन फैमिली के लिए रख रहा है वो 12 क्विंटल। इस केस के अंदर मार्केटेड सरप्लस क्या हो जाएगा, लेस देन मार्केटेबल सरप्लस से। थैंक यू।